हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूं ऑन माय व्लॉगिंग चैनल के एम पर आर ब्लॉग्स। सो आज के वीडियो में अपाचे 200 पर एक काफी मेजर काम होने वाला है। एज यू हैव गेस्टेड फ्रॉम द थंबनेल एंड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, 16,300 किलोमीटर्स पर इंजन खोलने वाला है भाई साहब। अब क्यों इंजन खोल रहा है, द रीजन फॉर दैट एंड ऑल मैं बताता हूँ आगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या इश्यूज आए हैं अपाचे में एट 16,300 किलोमीटर्स। तो आपको पता है, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, अपने अपाचे में जो टैपेट नॉइस का इशू है ना, वो काफ़ी दिनों से प्रेजेंट है। आई मीन लगभग एक साल के ऊपर हो गया मैं इस पर वीडियोस बना रहा हूँ, एंड एक दो बार मैंने टैपेट सेटिंग भी करके देखी एट द TVS सर्विस सेंटर इटसेल्फ, बट स्टिल द टैपेट नॉइज इज़ नॉट गोइंग अवे। नॉर्मली टैपेट नॉइज जो है वो कोल्ड स्टार्ट पर नहीं आता है, जब इंजन थोड़ा सा हीट होता है तभी स्टार्ट हो जाता है। बट अब वापस आने के बाद आफ्टर द बालाजी राइड इट स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द कोल्ड स्टार्ट इटसेल्फ। सो आई हैड टू गो टू TVS सर्विस सेंटर एंड उन्हें मुझे कहना पड़ा कि वारंटी में मुझे पार्ट्स चेंज करके चाहिए, अदरवाइज ये इशू नहीं जाने वाला है। जो इंजन का हेड होता है उसमें कैमशाफ्ट नाम का पार्ट होता है, उसका जो ट्यूनिंग है, उसका जो वेयर एंड टेयर है, उस पर बाइक का काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डिपेंडेंट होता है। आई मीन पिकअप कैसा है, माइलेज कैसा देगी गाड़ी। तो अगर कैमशाफ्ट वेयर आउट हो गया या फिर रॉकर्स का कुछ इशू हो तो गाड़ी का पिकअप काफ़ी कम हो जाता है, माइलेज गिर जाता है, जो कि फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ माइलेज का। बट मेरे गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा लीनियर हो चुका है, आई मीन अपाचे इज़ नोन फॉर इट्स इनिशियल पिकअप राइट, बट वो कम हो चुका है बाइक का। अब इतने देर बाद क्यों वीडियो आ रहा है, क्योंकि पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं थे। आई हैड टू ऑर्डर ऑल दो स्पेयर पार्ट्स फर्स्ट एंड देन गेट द बाइक टू द सर्विस सेंटर। ये काफ़ी नॉइजी स्ट्रीट है, आई डोंट नो आपको ये सुनाई देगा या नहीं, बट इट इज़ मेकिंग अ वियर्ड नॉइज। दैट रमलिंग साउंड, दैट रमलिंग मैकेनिकल साउंड, इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। एंड एक और प्रॉब्लम बाइक में आ चुका है आफ्टर द बालाजी राइड, नॉट दैट इज़ नॉट ड्यू टू एक्सेसिव रनिंग, बट जो इंसिडेंट हुआ ना पॉट होल का एंड रिम बैंड का। आपने वो जो एक वाइनिंग नॉइज सुनी अभी, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द गियर बॉक्स ओनली इन द थर्ड गियर। दैट्स इज द रीज़न वाई एक काफ़ी बड़ा मेजर काम अब अपाचे पर होने वाला है। सर्विस सेंटर एट महेश ऑटो। जिस तरह से अपनी व्हाइट ड्यूटी पूरी खुल चुकी है, इंजन भी वहाँ पर नीचे रखा है, तो आपको जल्दी से दिखा देता हूँ सारे कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द हेड ऑफ द इंजन, ये टैपेट है, वाल्व की स्प्रिंग्स, एंड इसके अंदर कैमशाफ्ट होता है। तो इसके अंदर ही कुछ इशू है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इंजन के हेड से नॉइज़ आ रहा है। आफ्टर दैट दिस इज़ द ब्लॉक पिस्टन, ये पिस्टन है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। दिस इज़ द ब्लॉक अगेन इन ग्रेट कंडीशन। थ्रॉटल बॉडी, अब थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी काली हो चुकी है अंदर से। आफ्टर दैट वी कम टू द क्लच असेंबली, दिस इज द राइट हैंड साइड कर्व, इस तरफ जो आपको दिखता है TVS लिखा हुआ, दिस इज द क्लच असेंबली, दिस इज द स्लिपर क्लच। देन वी कम टू द एग्जॉस्ट, टैंक वहाँ पर रखा है, एंड दिस इज द इंजन ऑफ आवर अपाचे, आई मीन द बॉटम एंड जिसे कह सकते हैं। आपके जब गियर शिफ्ट होता है तो ये जो लीवर है ये घूमता है, आई मीन हिलता है, एंड ये स्टार कहते हैं, ये हिल कर यू नो गियर शिफ्ट होता है। दिस इज़ द ऑयल पम्प, तो शॉर्ट में आपको बता दिया। अब ये भी पूरा खुलने वाला है, ये देखिए, दिस इज़ द कनेक्टिंग रॉड एंड द क्रैंक शाफ्ट, ये भी पूरा खुलेगा, आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये इनपुट शाफ्ट है ना, इस पर क्लच बैठेगा,
इसका पार्ट नंबर ये है एंड द प्राइसिंग इज दिस मच। दिस इज द आउटपुट शाफ्ट। अब ये पूरा चेंज होने वाला है अपने अपाचे में। दिस इज द ओल्ड गियर बॉक्स। तो कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल डैमेज क्या है। तो थर्ड गियर जो है दिस इज वन, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज है ये। इसके गियर बेसिकली कट चुके हैं काफ़ी ज़्यादा एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू वन। तो ये ऐसे प्लेन होना चाहिए बट इंस्टेड ऑफ दैट इट इज लाइक दिस। एंड इसके ऑपोजिट में आई मीन जो मैश में गियर लगता है वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो जो साउंड आ रहा था सुपर चार्जर जैसा वाइन वो एक्चुअली इसी की वजह से आ रहा था। नाउ द ब्रांड न्यू गियर सेट ऑफ द गियर बॉक्स इज गोइंग इन द मोटरसाइकिल। इसको बांसुरी भी बोलते हैं ना। बजा के दिखाओ एक बार। जो बॉटम एंड है वो फिर से बाइक में लग रहा है। इसकी भी एक स्पेसिफिक टेक्निक रहती है। सो भाई लोग, दिस इज द डे टू ऑफ द रिपेयरिंग। आज शायद पूरा काम हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंड मैं अभी चला रहा हूँ मेरे दोस्त की स्प्लेंडर, पीछे बैठा है। एंड कभी कभी लगता है यार स्प्लेंडर ही ले लूँ, इससे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी कुछ है ही नहीं। 2001 का मॉडल है बट अभी तक कोई काम नहीं निकला है। क्या गाड़ियाँ थी यार ये, जस्ट एपिक। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अरे भाई ब्रेक है कि नहीं इसको। सो आई एम बैक एट द सर्विस सेंटर। स्प्लेंडर की बात ही अलग है। हेड के कंपोनेंट जो चेंज होने वाले हैं वो है ये कैमशाफ्ट, रॉकर्स, सारे वाल्व्स एंड ये बाकी के कंपोनेंट्स। तो एक्चुअली वाल्व की जो पूरी असेंबली है वो TVS एज अ किटी बेचता है। पार्ट नंबर इज दिस एंड ये सिर्फ वाल्व किट का प्राइस है 2087। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एंड ये कैमशाफ्ट है, दिस इज अपाचे 204V कैमशाफ्ट। इसमें दोनों बेयरिंग्स भी साथ में ही आती है, डीकंप्रेसर भी आता है। द प्राइस इज 13। एंड ये दोनों रॉकर्स हैं। एक रॉकर का प्राइस 603 rupees है गाइस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट ये पूरा सेटअप इंस्टॉल होने वाला है इन द हेड। ये वाल्व जो है इसका लैपिंग हो चुका है। तो जॉयद भाई थोड़ा लैपिंग के बारे में बताइए ना। वाल्व ग्राइंडिंग करते हैं इसको, मशीन पे लेके आते हैं, इमरी लगा के घसते हैं उसको। ये हेड किलिंग हो चुका है, ये वाल्व ग्राइंडिंग बन चुका है इसका। वाल्व का यहाँ से बेसिकली ग्राइंड करते हैं सो दैट ये वाल्व परफेक्ट में इसमें बैठे और एक प्रॉपर सील बन सके जब ये ऑपरेट हो रहा है। नहीं तो डायरेक्ट आप बिठाने जाएंगे तो बैठेगा नहीं। यस, ये पूरा किट चेंज हो रहा है। दीज आर द सीट्स फॉर द स्प्रिंग एंड ये है दीज आर द वाल्व ऑयल सीट्स। नया नवेला कैमशाफ्ट, नाउ द न्यू कैमशाफ्ट गोज इन। नगर से निहाल भाई आया मिलने के लिए। ये हमें मिले थे नगर में, आपने पहचाना होगा, मैंने औरंगाबाद सॉरी पुणे टू औरंगाबाद का ब्लॉग डाला था तो बीच में ये मिले थे। सो यस, सब्सक्राइबर्स कभी कभी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड अपने अपाची की कंडीशन देख के कैसा लगा? बहुत बुरा लगा पहली बात तो। गाड़ी मतलब पूरी खोल दी गई थी मेरे सामने। एंड ये इनकी ब्लू वन है। टाइमिंग का बताओ। अभी ये टीपे मिला दी अपन मेहनत, ये टॉप ले लिए, ये इधर टाइमिंग आ गई है। ये जो मार्क है ये इस लेवल पर आना चाहिए एंड ये जो मार्क है ये यहाँ पर एक छोटा सा ग्रूव बनाया है, वहाँ पे आए तो सेटिंग करना पड़ता है। 15 दिन पहले ही सर्विस हुई थी एंड तब ऑयल चेंज हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी वही ऑयल डाल देते एंड 500 किलोमीटर चलाने के बाद फिर से सर्विस करेंगे, क्योंकि नए पार्ट है तो रनिंग पीरियड में ऑयल चेंज करना कंपलसरी है। तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा काला हो चुका है बट स्टिल सिर्फ 500 और किलोमीटर चलाना है। अब लगेगा गाड़ी में एग्जॉस्ट। तो मैं जब बाहर गया था तब टैपेट का काम हो चुका है एंड अब जो हेड कवर है वो लग रहा है। सो दिस इज मार्क्स द एंड, प्रीटी मच द एंड ऑफ द इंजन रिबिल्ड। अपने अपाचे का जो टैंक है वो वापस बैठने वाला है एंड द मोटरसाइकिल विल लुक कंप्लीट नाउ आफ्टर कपल ऑफ डेज। अब कहाँ जाकर ये अपाचे फिर से दिखने लगी है। एंड द रिबिल्ड इज प्रीटी मच कंप्लीट नाउ, थोड़ा सा पैनल लगाना बाकी है एंड नाउ यू हैव गॉट द ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट इट अप। सो गणपति बप्पा मोरया।
टोटल डिफरेंस बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आवाज़ में। वो जो टिपिकल मैकेनिकल साउंड था ना, इट्स गॉन। साउंड भी चेंज हो चुका है गाड़ी का, अच्छा खासा चेंज हुआ है। फाइनली अपनी अपाचे पूरी बनने के बाद उतर रही है वापस नीचे, बाइक ऑन इट्स ओन व्हील्स, अंडर इट्स ओन पावर। तो ये जावेद भाई है, इन्होंने सारा काम किया है गाड़ी का। क्या क्या किया बताओ जरा। पूरा इन्होंने दो दिन पूरे अपनी गाड़ी को ही दिए, बाकी एक भी गाड़ी का काम नहीं किया है, एंड काफी डेडिकेशन के साथ काम किया है। सो थम्स अप। हेलो गाइस, दिस इज एन अपडेट आफ्टर अ फ्यू डेज। अब अपनी अपाचे को रिबिल्ड होकर कुछ दिन हो चुके हैं, लगभग 200 किलोमीटर मेरी बाइक अब चल चुकी है, तो एक अपडेट आप लोगों को देना तो बनता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू द टीम एट दैट सर्विस सेंटर एट महेश ऑटो, बहुत बढ़िया एंड प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने गाड़ी का काम किया एंड वारंटी भी मुझे प्रदान की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वारंटी के बारे में बात करें तो वारंटी मुझे मिली, आपको पता है मैंने पहले मोडल का ऑयल डाला था बट थोड़ा अपन ने जुगाड़ लगाया एंड वारंटी मिली, एंड अगर वो बिल वारंटी में बाइक नहीं होती तो 12-13 हज़ार तक जाता, बट 2,500 रुपये में मेरा काम हुआ, क्योंकि हेड में जो काम करना पड़ता है वाल्व चेंज करने के बाद लैपिंग का लेत मशीन पर, उसके 1,200 रुपये एंड थोड़े और चार्जेस 450 समथिंग वो और एडिशनल लगे। एनीवेज अब बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड जिसकी वजह से इतनी जल्दी अपने अपाचे का इंजन खोलना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट ब्लेम एनीवन, बट जो टैपेट का जो इशू है ना वो अवॉइडेबल था। लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर से ही मेरे अपाचे में टैपेट नॉइस का प्रॉब्लम आने लगा था। द सर्विस सेंटर विच आई ऑलवेज विजिटेड बिफोर दिस, आप में से कई लोगों को पता होगा आई एम नॉट हैप्पी विथ द सर्विस दे प्रोवाइड, बिकॉज जब पहली बार टैपेट नॉइज आया तब एंड उसके कुछ 3-4 हज़ार किलोमीटर बाद दो बार अपने अपाचे के टैपेट सेट हुए थे, बट स्टिल द टैपेट वर नॉट सेट अकॉर्डिंग टू स्पेक, काफ़ी ज़्यादा टाइट वो सेट हुए जिसकी वजह से ज़रा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा उन कंपोनेंट्स पर हेड में के एंड वो ज़्यादा वेयर आउट हो गए बहुत जल्दी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया टैपेट नॉइज। एंड देन एडिंग इंसल्ट टू द इंजुरी, मैंने कुछ दिन पहले मोटुल का थिकर ग्रेड ऑयल डाला था, अपाचे में 10W30 या 40 डालना चाहिए, मैंने 10W50 डाल दिया। इस ऑयल पर वीडियो रिव्यू आएगा जल्दी, आई एम सॉरी फॉर द मैसिव डिले, बहुत लोग आप में से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोटुल पर रिव्यू कीजिए। मैं ऐसा कहूंगा कि वीडियो देख के ऑयल मत डालिए बाइक में, अगर आपके बाइक में ऑलरेडी एक अंडरलाइंग इशू है जैसे कि टैपेट का इशू तो ऑयल मत डालिए। वो ऑयल जो था वो थिकर ग्रेड था, उसे इंजन के हेड में पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा जिससे थोड़ा और भी ज्यादा डैमेज हुआ इंजन। द फर्स्ट रीजन वॉज द मेजर वन कि इम्प्रॉपरली सर्विस हुई इवन एट द ऑथराइज सर्विस सेंटर, एंड द सेकंड थिंग इज गियर बॉक्स। नाउ गियर बॉक्स का मैं भी जंबल्ड हूं काफी ज्यादा कि इतनी जल्दी गियर कैसे कट गए, जो थर्ड गियर था उसके जो टीथ थे उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स थे वेयर एंड टेयर के, आई डोंट नो द रीजन फॉर दैट। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइक नहीं चलाता हूँ, बहुत प्यार से गियर शिफ्ट करता हूँ, सिर्फ थर्ड गियर में इतना ज्यादा वेयर आउट हो गया, सो दैट माइट बी द क्वालिटी इशू, बाकी किसी भी गियर में इतना ज्यादा डैमेज नहीं था। सो आई एम श्योर कि आपको पता अब चल गया होगा कि एक्जैक्टली व्हाट वॉज द रीजन वाई मेरे अपाची का इंजन रिबिल्ड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स मीन्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ नेगेटिव रिपोर्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर गाइज़।